आज हम करेंगे वॉन्ड्स के कोर्ट कार्ड्स, ठीक है? आपके मेजर हो चुके, कप्स हो चुके, और वॉन्ड्स के 10 तक हमने कर लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद कोर्ट कार्ड्स। फर्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ध्यान से देखेंगे इमेज को, जो आपने इंट्रिंसिक क्वालिटीज पढ़ी हुई हैं उनको अप्लाई करेंगे, इमेज को देखेंगे और सोचेंगे कि ये कार्ड क्या बताता है, फिर मुझे बताएंगे। प्लीज, जो नहीं बोल रहा है वो अपने आप को म्यूट पे रखेगा, जो बोलना चाहता है वो अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, एनीबडी, किसी को समझ में आ रहा है? मैम, ये जो पेज का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, जो जितने भी अभी तक हम लोगों ने पेज के कार्ड देखे हैं कि उसमें टोटल नेगेटिविटी से दिखाई देती है, मगर इसमें अगर अगर देखा जाए, इसकी ड्रेस अगर देखा जाए तो येलो कलर वाइज येलो एज वेल एज रेड है, यानी कि पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो ये वो नेगेटिविटी मैच्योरिटी इसमें नजर आ रही है। द वे ही इज लुकिंग एट द वॉन्ड, हाँ जी, हमने पेज की इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या पढ़ी थी कि वो केयरलेस होता है, वो इमैच्योर होता है, लेकिन ऐसा हमको ये कार्ड देखने से लग नहीं रहा है ना। ये इसके पास एक एक्शन है, एक वॉन्ड है, एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको ये बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा है कि मैं इसमें क्या करूं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, है ना। सो फिलहाल तो ही इज वेरी केयरफुल, ही वॉन्ट्स टू टेक अ डिसीजन, विच इज वेरी गुड। दिस इज एन एक्सेप्शनल पेज कार्ड। इसमें पेज की जो क्वालिटी है वो फिलहाल नेगेटिव नहीं है, वो अभी उसके पास कोई करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा है कि मैं आगे इसमें कैसे बढ़ सकता हूँ, राइट? सो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारी इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है वो रह रह के वापस आ जाती है, राइट? तो हमें इसको क्या बताना है कि देखिए, आपने शुरुआत बहुत अच्छी आप कर रहे हो, अभी आप में बहुत एंथुजियाज्म है, लेकिन इसी चीज को आपने आगे कंटिन्यू भी करना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई करियर में जॉब नया नया लगा तो आप बिल्कुल टाइम पे जा रहे हो, टाइम से आ रहे हो, काम पूरा कंप्लीट कर रहे हो, और एक महीने बाद आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, क्योंकि इसकी फितरत वैसे ही है, ठीक है? तो जो हमारा नेचर होता है ना, वो बार बार आता है हमारे एक्शंस में वापस। हेल्थ है, मान लो आपको डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट दिया है अभी अभी, अभी तो आप बहुत पर्टिकुलर हो, बिल्कुल समय पे दवाई जो प्रिकॉशंस बोले हैं वो आप ले रहे हो, लेकिन ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू आगे रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, आपको स्टेटस मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, आपको मनी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है? रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, तीसरा बचा रिलेशनशिप। तो अभी अभी जो आपका रिलेशनशिप बना है उसमें अभी आप बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जितनी चीजें आप कर सकते हो आप कर रहे हो, इसको आपने आगे ऐसे ही कंटिन्यू करना है। क्लियर? गाइडेंस हम हर बार दे रहे हैं, हर एस्पेक्ट में दे रहे हैं, दैट यू हैव टू कंटिन्यू विद सेम जील एंड एंथुजियाज्म। जैसे हम कोई भी चीज नई नई करते हैं ना, मान लो रिश्ता भी नया नया बना, तब तो इंसान बड़ा यू नो एट हिज बेस्ट बिहेवियर होता है ना, लड़की को भाई इम्प्रेस करने के लिए चेयर भी पुल कर रहे हैं, डोर भी खोल रहे हैं ना, उससे पूछ भी रहे हैं हाउ यू फीलिंग, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हम रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, बस वो प्रिकॉशन आपको लेके चलना है। बाकी कार्ड पॉजिटिव है, सक्सेस है, क्लैरिटी है, सब कुछ है। क्लियर? कार्ड को देख लीजिए एक बार, कोई डाउट मन में उठ रहा है तो पूछ लीजिए। पास्ट में अगर आएगा तो हम बोलेंगे पास्ट में आपने कुछ ना कुछ नया शुरू किया था, जिसके लिए आपने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके किया और आप सक्सेसफुल भी रहे। प्रेजेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसको कैसे किया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं है, क्या है, क्या जरूरत है मुझे, वो अच्छी बात है, अब आप इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हो। फ्यूचर में आएगा तो हम बोलेंगे कि आने वाले टाइम में आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब वो आएगी तो आप उसको बहुत सीरियसली लेना, उस पर अच्छे से प्लानिंग करना, सोचना आपको क्या करना चाहिए, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर? मैम, कैन दिस बी अ यंग एनर्जी और बिकॉज ही इज नॉट मैच्योर, इरेस्पॉन्सिबल, सो बड़े से हम लोग तो मैच्योरिटी की अपेक्षा रखते हैं ना, तो यंग हो सकते हैं। लेकिन हर बड़ा मैच्योर तो नहीं होता, मैच्योरिटी जो होती है ना वो एज के साथ नहीं आती,
वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ आती है ना। सो ये जो आदमी है इसकी एज कुछ भी हो लेकिन इसका जो इंट्रिंसिक नेचर है वो इमेच्योर्ड है, पर फिलहाल उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, फिलहाल के लिए वो पॉजिटिव है। क्लियर, आगे चलते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को देखें, और जिन लोगों ने अभी नहीं बोला है, रिद्धि, सरोज, शुभ लक्ष्मी, पहले वो बोलें। इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। मैम एक्शन लेता हुआ दिख रहा है लेकिन लग रहा है पैशन नहीं है बिल्कुल भी। okay. मतलब जो फास्ट फास्ट बस करना है कि हाँ ये काम हो जाए बस, ऐसा okay. लग रहा है। okay. yes, and somebody else? वो जो घोड़ा है आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा लग रहा है, वो कंट्रोल करने की मतलब पैर जैसे रखा हुआ है, लग रहा है कि उसे रोकना चाह रहा है। ओके मैम ही लुक्स फायरी एंड पैशनेट एंड सेकंड थिंग जितना फास्ट ये घोड़ा बाहर जा सकता है उतना ही फास्ट मींस मस्ट बी हैविंग इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि मे नॉट बी स्टेबल। मैम जैसे इसके अगर हम लोग नोटिस करें तो उसका जो फुट है वो इट इज ऑन ग्राउंड, और जो yes, अगर हम व्हाट आई वांट यू टू नोटिस, आप सब बोल रहे हो घोड़ा भाग रहा है घोड़ा चल रहा है, पैर तो उसका जमीन पे अटका हुआ है आदमी का, मतलब वो रेडी ही नहीं है उस स्पीड के लिए अपनी लाइफ में, या फिर आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, एनी गोल एनीथिंग। यस, और ये जो घोड़े का पोस्चर है ना ये भागते हुए घोड़े का नहीं है, ये ऐसा पोस्चर लगाम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फिलहाल उसके दिल में कोई ना कोई डर है जिस वजह से वो चलता चलता रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, किसी डर ने उसको रोक रखा है। लेकिन आप देखोगे कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसने भी येलो कलर पहना हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप डरो मत, आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी, आप बहुत मैच्योर्ड हो, आपको राइट प्लानिंग आती है, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, है ना, आप कोई लड़का है उसको कोई गर्ल पसंद है, वो सीरियस भी है, वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन वो प्रपोज नहीं करता ये सोच के कि अगर मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं मेरी फ्रेंडशिप भी ना टूट जाए, तो जो डर है ना ये आपका बेसलेस है, इसमें कोई बेस नहीं। आप प्रपोज करके तो देखो वो हाँ करेगी, राइट। बिजनेस है, मान लो आपके पास पैसा भी है, आपके पास प्लानिंग भी है, आपको पता है कैसे होगा, पर आपके अंदर एक डर है कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो ये जो आपके मन में डाउट है इसको निकाल दो, है ना। हेल्थ में आप देखो कि कई लोग होते हैं वो टेस्ट ही नहीं करवाते कि नहीं नहीं मैं टेस्ट करवाऊंगा तो कुछ निकल जाएगा, है ना, एक अननोन फियर। सो हम आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इस अननोन फियर को अपने दिल से हटा दो, जो आप करना चाहते हो उसको फुल आप अपनी प्लानिंग से अपनी मैच्योरिटी से डील करो, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे उसमें। क्लियर, पास्ट में आएगा तो हम कह सकते हैं कि पास्ट में आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन चलते चलते फिर आप अचानक से रुक गए, आपके दिल में कोई डर बैठ गया, ठीक है। प्रेजेंट में आप रुक गए हो, फ्यूचर में आप रुक जाओगे, तो फ्यूचर के लिए तो हम अभी से उसको बोल सकते हैं कि भाई जब भी आपके मन में ऐसा कोई डर आए उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो डर बेसलेस है, ठीक है। आप जो कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो, आप सही रास्ते पे हो, आपको सक्सेस जरूर मिले। क्लियर, देख लीजिए एक बार कार्ड को, अगर कोई सवाल मन में उठता है तो। मैम कैन वी से इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, लेकिन ये कार्ड करियर रिलेटेड है तो यहाँ इतने इमोशंस एंड इतने एक नॉर्मल इंसान में होते हैं, है ना, ज्यादा क्योंकि इनका जो जनरल एस्पेक्ट है इन कार्ड्स का वो करियर है, इमोशंस नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सवाल इमोशन का होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, आंसर हम तब भी करेंगे, ठीक है जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
देखिए और बताइए। पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है, मतलब वो क्वीन जो मतलब लेडी है एक फूल पकड़ी हुई है, तो कैरियर बेसिस पे प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है, मतलब वो ला सकती है। ओके यस, एनीबॉडी एल्स? जिस पोस्चर में वो बैठी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, मतलब डिसीजन ले सकती है। क्वीन की इंटरेस्टिंग क्वालिटी होती है ना कि वो डिसीजन मतलब वैसे इमोशनल बेसिस पे लेती है, पर यहाँ ऐसा कुछ इतना नहीं है जितना होता है। ओके मैम शी कैन ऑफर। इसमें एक ब्लैक कलर की काली बिल्ली भी है, तो वो कह रहे कि आप किसी बुरे उससे बच के रहे, जैसे करियर में कोई आपको धोखा होगा हो तो उससे बच के रह सकते। जैसे काली बिल्ली तो हम रास्ता जब कहते हैं रास्ता काट गई तो बुरा होता है, तो उस सेंस बुरा होता है। बिल्ली को हम बुरा क्यों मानते हैं वैसे, क्यों आपको? वो एक्चुअली इंडिकेशन इंडिकेशन देते हैं, नेचर इंडिकेशन देती है कुछ हो सकता है। नेचर है मैम उसका ऐसा, वो तो हमने भाई वैसे है उसका ना, पर मैं आपसे पूछ रही हूं, जनरली हम कहते हैं कि भाई डॉग्स तो अच्छे पेट है पर कैट्स अच्छे पेट नहीं है, या कैट्स लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्यों ऐसा, क्या करती हैं कैट्स? क्लेवर नेचर का कैट जो सेल्फिश होती है ना, सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो अपने लिए सोचती है। जैसे बोलते हैं कि भाई अगर अर्थक्वेक आ गया तो डॉग तो बाक करेगा, आपको जगाएगा कि भाई प्रॉब्लम है यहाँ से चलो, पर कैट जो होगी वो खुद निकल जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं होता अपने ओनर से, है ना, वो अटैच नहीं होती इमोशनली, राइट? सो अभी देखिए ये रानी है, रानी कहते ही पावर है इसमें, स्टेबिलिटी है इसमें, है ना, मैच्योरिटी है इसमें। अब हम देख रहे हैं एक लेडी है, बड़े ऐसे लग रहा है पावर के साथ बैठी हुई है ना, वो देख तो कहीं और रही है पर उसका करियर बिल्कुल उसके मुट्ठी में है, हाथ में है, पूरी येलो कलर की है, दैट मीन्स शी इज अ वेरी करियर ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट वुमन। ठीक है, ये आज की लेडीज ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है घर संभालेंगी तो सही, लेकिन अपना करियर भी नहीं छोड़ेंगी, है ना। इधर कैट दिखाने का क्या मतलब है, ये इसका नेचर बता रहे हैं आपको क्वीन का, कि ये जो लेडी है ये सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपकी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां बलिदान दे देगी। ठीक है, वो आपको कहेगी कि मैं घर भी संभालूंगी, मैं बच्चे भी संभालूंगी, मैं काम भी करूंगी, पर मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी, शी इज अ करियर फोकस्ड वुमन। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप की बात करोगे तो आपने देखा था जैसे हमने कहा था क्वीन ऑफ कप्स में वो सबको भूल के अपने रिश्तों में ही खोई हुई है, बस उसको और किसी का कोई ध्यान नहीं है, अपना भी नहीं है। पर ये लेडी कैसी होगी कि सबका ध्यान रखेगी, है ना, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी, पर सबसे पहले अपना ध्यान रखेगी। उसको ये बात पता है कि अगर मेरा शरीर ठीक है तभी मैं किसी का कुछ कर सकती हूँ, है ना। सो मान लो घर का काम 7 o'clock से शुरू होना है तो वो 6 बजे उठ जाएगी, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए भी करेगी जो उसको करना है। शी विल थिंक अबाउट हर ओन हैप्पीनेस, शी विल नॉट सैक्रीफाइस इट फॉर अदर्स, है ना। जैसे हम जनरली क्या होता है, बच्चे पूछते हैं मम्मी क्या खाओगे, मम्मी कहती जो तुम खाओगे, ये वो लेडी नहीं है, ये कहेगी तुम 4 चीजें अपनी पसंद की मंगा रहे हो तो एक चीज मेरी पसंद की मंगाओ, है ना। शी विल वॉइस हर ओपिनियंस, राइट। सो पहले के जमाने में क्या होता था, चलो भाई शादी हो रही है आप छोड़ो कमाना शमाना, अपना चूल्हा चौका संभालिए, छुट्टी करिए। शी इज नॉट दैट टाइप, अगर आप वो टाइप ढूंढ रहे हो तो इसको छोड़ दो, राइट। हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप, बिजनेस का, तो करियर का तो ये कार्ड ही है, दैट शी इज वेरी फोकस्ड ऑन अ करियर, she will do everything to make her career strong, she is independent, she knows how to take decisions. jo hum queen mein humne kaha tha na ki faisle lene nahi aate queen ko, usme emotions zyada hote hain, isme nahi hai, ye balanced hai. theek hai, past mein aap aise the, aap independent working rahe ho, shuru se aapne apne aap ko sare ghar ko sambhala hai, present mein aap ho, future mein aap ho jaoge. ab kai baar kya hota hai, maan lo koi लेडी आ गई, वो पूछती है कि मेरा बेटा ना शादी कर रहा है एक लड़की से, वो लड़की कैसी है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं टैरो में, तो अगर ये कार्ड आएगा तो आप उन्हें बता सकते हो कि भाई वो लड़की ना इंडिपेंडेंट है और ऐसी नहीं है कि अपनी आवाज को दबा लेगी आपकी वजह से, उसको जो बोलना है वो बोलेगी, अपने ओपिनियंस को वॉइस करेगी, घर का ध्यान रखेगी पर एट द सेम टाइम अपना करियर भी नहीं छोड़ेगी। तो अगर आप ऐसी बहू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो शादी करा लो, अगर नहीं तैयार हो, आप ट्रेडिशनल थिंकिंग के हो कि नहीं भाई बहू तो घर में ही रहनी चाहिए, तो फिर इस लड़की से पंगा ना लो। क्लियर? सो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अ पॉजिटिव कार्ड। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कई क्वेश्चन जैसे आपने दिए हैं उसमें ऐसे आ जाता है कि हम इन्वेस्ट करें, मतलब
मनी इन्वेस्ट करें या नहीं, तो मैम अगर इस तरह का कार्ड आता है जैसे ये कार्ड आया तो उसमें हम क्या बोलेंगे मैम, क्या आंसर करेंगे, करें कि ना करें, पूछ लो ना पैसा। हाँ यस मैम, क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव कार्ड है तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट। अच्छा, वैसे अभी वो चीज आपको शफलिंग में और डिटेलिंग में पढ़ाएंगे, पर यस नो जो होता है उसमें पॉजिटिव कार्ड यस होता है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कार्ड को और बताइए। कोई नहीं, मैं खा लूंगी इसमें, वही रख लू मैम। मैं कह रही थी कि ये सिर्फ अपने करियर को देख रहा है, जैसे जो लेडी थी वो दूसरी तरफ देख रही थी, ये सिर्फ अपने फोकस जाए अपने करियर की तरफ किंग। और मैम पॉजिटिव कार्ड है, जैसे ने येलो पहना है, लेकिन मैम इसके पास नीचे एक लिजर्ड भी बनी हुई है छिपकली, उसका नहीं पता क्या होता है। लेकिन हमने तो उसको बदनाम किया हुआ है ना कि रंग गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हम तो नेगेटिव सेंस में कहते हैं, पर गिरगिट बेचारा नेगेटिव सेंस में नहीं बदलता, वो तो एनवायरमेंट में ढलने के लिए बदलता है ना खुद को, कि वो किसी खतरे में ना आए। तो इसी तरीके से इस राजा के लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि इस राजा में ये क्वालिटी होगी, ही विल अडैप्ट टू द सिचुएशंस, ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होगा, है ना। और क्या बता सकते हो मैम? टीम वर्क अच्छा लग रहा है, मतलब प्रोटेक्टर प्रोवाइडर, अब किंग है तो ये तो रह गई, और टीम वर्क बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। यस, देखिए किंग है, किंग ने कलर्स पहने हुए हैं ग्रीन येलो रेड, मतलब ही इज अ वेरी गुड किंग, है ना, पॉजिटिव कलर्स हैं, राइट एनर्जी, कनेक्टेड टू द डिवाइन, और अपने करियर को बड़े अच्छे से पकड़ा भी हुआ है, सो ही इज अ करियर ओरिएंटेड मैन। एक्शन के कार्ड है ये, करियर के कार्ड है, और ये उसका राजा है, मतलब इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कर्मों पे कंट्रोल है, ही नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट, ही हैज पावर, ही हैज अथॉरिटी, ही हैज स्टेबिलिटी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ये अपनी अथॉरिटी हम पे नहीं चला रहा। साइड फेस्ड बैठने का मतलब क्या होता है कि वो इंसान अपनी अथॉरिटी हमको नहीं दिखा रहा है, जहां जरूरत है वहां दिखाएगा, ठीक है। और कैमेलिन भी है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो अडेप्ट कर लेता है, हालांकि वो राजा है पर वो हर किसी पे अपना वो एक अथॉरिटी को शो नहीं करता। बच्चे ऐसे हम बोलते हैं ना, ये आदमी तो बड़ा समझदार है, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, है ना, घर में कभी 10 सब्जियां बनी है तो भी अच्छी बात है, एक ही सब्जी बनी है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अडैप्टेबल टू सिचुएशंस, तो एक तो राजा, ऊपर से एडजस्टिंग, तो सोने पे सुहागा हो गया ना, मतलब इसके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक तो इसमें पावर है, स्टेटस है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, फिर भी वो एडजस्ट कर रहा है आपके साथ, है ना, वो कोई आपको डोमिनेट नहीं कर रहा, वो कोई अपनी अपनी नहीं चला रहा है, तो इसके रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे। हेल्थ की बात करोगे तो हेल्थ में भी कोई इश्यू हमको नहीं दिखता, हेल्थ इज ऑल्सो गुड, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर हेल्थ इज बैलेंस्ड। पास्ट में आएगा तो हम बोलेंगे कि आपने पीछे बहुत मेहनत करी है, है ना, मेहनत करके आपने एक पोजीशन पाई थी, अथॉरिटी पाई थी, पावर पाई थी, प्रेजेंट में वो आपके पास है, फ्यूचर में होगी, अगर फ्यूचर में आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, आप अच्छे कर्म करते रहिए, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, you will be successful, clear? Red color signifies love or aggression, love no? Energy, red with energy. Green or red with white will never show aggression, है ना, aggression जब हम दिखाएंगे, जैसे major cards में justice का card था, वो पूरा red, है ना, no white, no green, वहां कहते हैं हम aggression, red with green, red with white is always positive. ठीक है जी, सो अब आप एक बार चारों कार्ड्स देख लो जो हमने आज किए, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। चलिए, तो
तो चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब इंसान कंफ्यूज रहता है कि मैं जॉब करूं बिजनेस करूं, है ना, या मेरे पास जॉब के तीन ऑफर्स हैं, मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं, मेरे पास शादी के लिए अरेंज मैरिज में तीन रिश्ते हैं, मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं, मैं ये फील्ड चुनूं या मैं ये फील्ड चुनूं, जब हमें चॉइसेस देता है तो हम कैसे टैरो रीडिंग करते हैं। अभी हम उन्हीं कार्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपने पढ़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, अपना जितने कार्ड आपके पास हो गए हैं उनको ऐसे शफल कर, और ये शफलिंग की प्रैक्टिस आपको घर में भी करनी है, मैंने पहले भी बताया था, ताकि जब आप शफल करेंगे तो कार्ड्स आपके हाथ से गिरने नहीं चाहिए। अब जितने चॉइस होती है उतने कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। मान लो तुमने कहा कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो दो कार्ड्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। पहले मैं करके दिखा रही हूँ, फिर आप अपने अपने कार्ड्स निकालेंगे। मेरे पास दो कार्ड्स आए, ये जॉब के लिए है एम्प्रेस, और ये बिजनेस के लिए है नाइट ऑफ कप्स। अब मैं जिससे पूछूंगी वो ये बताएगा कि आप क्या चुनोगे और क्यों। यस सरोज, बाकी लोग म्यूट पे रहेंगे प्लीज। सरोज पूनम म्यूट योरसेल्फ। सरोज आप बताएं, ये जॉब के लिए है, ये बिजनेस के लिए है, आप इनमें से क्या चुनने वाले हो? मैम एम्प्रेस। क्यों मैम? सबसे पहले तो मेजर अरकाना से है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और इसमें मैम वो वीट और फर्टिलिटी वाला आपने जैसे बताया था, तो हम बिजनेस में जो भी पैसा लगाएंगे ना बिल्कुल प्रॉफिट ही मिलेगा, इसमें कोई लॉस के चांस है ही नहीं। वेरी गुड। देखिए हालांकि पॉजिटिव कार्ड तो ये भी था, है ना, yes, लेकिन ये एक माइनर कार्ड है, कोर्ट कार्ड है, पावरफुल है, लेकिन कप्स का है पहली चीज, इसका मतलब इसका जो जनरल एस्पेक्ट है वो रिलेशनशिप है, हम बात कर रहे हैं जॉब और बिजनेस की, है ना। yes, और ये एक मेजर पॉजिटिव कार्ड है, तो जब भी चॉइस में पॉजिटिविटी चुननी और मेजर कार्ड आ जाएगा तो ऑब्वियसली मेजर कार्ड ही होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम जॉब को चुन लेंगे, राइट। चलिए शुभ लक्ष्मी आप अपने दो कार्ड दिखाइए और हमें बताइए आप क्या चुनने वाले। Yes, शुभ लक्ष्मी, are you there? Yes, ma'am. बोले। Yes, ma'am. मेरा the hangman और two of cups आया है। इनका जॉब के लिए आया है the hanged man और बिजनेस के लिए आया है two of cups। क्या करने वाले हो, कौन सा चुनोगे? बोलिए। टू ऑफ कप्स, दिस बैलेंस मेंटेन होगा। बैलेंस, हाँ पता है इमोशन का है, पर बैलेंस तो मेंटेन होगा, मतलब स्टेबिलिटी आएगी, पर हैंगमैन में वैसा नहीं, मैं वैसे ही सोचती रहूंगी, स्टक हो जाऊंगी। यस, तो आई विल चूज टू ऑफ कप्स। क्या कहता है कि आप कितने भी एफर्ट्स डाल लोगे आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा, सारे एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से उसको चूज करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो मेजर कार्ड भी है। इसमें हम माइनर को चुन लेंगे, टू ऑफ कप्स, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि जितनी मेहनत हम करेंगे उतना रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो द चॉइस विल बी टू ऑफ कप्स। नेक्स्ट टू कार्ड्स। हां जी, सिर्फ एक बात मैम, जैसे आप जॉब और वो आया है ना, तो मैम हमें पहले जॉब के बोलकर उसका कार्ड निकालना है, फिर बोल के कार्ड निकालना है, चाहे पहले जॉब बोलो चाहे बिजनेस, वो आपकी मर्जी। अच्छा, तो कार्ड हिसाब से। अच्छा, चलिए ये दोनों कार्ड्स हैं, डेथ है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए फाइव ऑफ कप्स। क्या चुनने वाले हो आप? यस शिविका आप बताएंगे। डेथ के लिए मैम डेथ है एंड फाइव ऑफ कप्स। Mom, I think five of cups would be a better option to go with, because death, as we read that, you know, it shows the ending of any situation. Yes, it could be something which is troubling you, yeah, kuch aisa bhi ho sakta hai, but I think if we go with five of cups, we have it'll be better, because बट मैम ये तो दोनों रिलेशन से हैं, फाइव ऑफ कप्स भी, तो क्या हुआ, दोनों नेगेटिव कार्ड हैं, मुझे पता है दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, लेकिन मैं कौन सी नेगेटिविटी चुनूं? अब मेरे पास तो यही दो चॉइस हैं और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैम जैसे डेथ वाले कार्ड में एटलीस्ट इसमें न्यू बिगनिंग का भी चांस है ना, ठीक है, न्यू बिगनिंग का, तो न्यू बिगनिंग है जिसमें उसमें है कि फाइव ऑफ कप्स में है, वो तो केवल पिछले पास्ट में ही है, he is not thinking of even of future,
whenever there is a beginning, a new beginning, so at least we can invest in beginning and we can have all the efforts on the job. Okay, yes, Poonam, aap kya chunne wale? Ma'am, death वाला ही चुनेंगे क्योंकि उसमें सूरज भी निकल रहा है पीछे, चाहे जो आपका पहल जो कह रहे कि आपका जो है खत्म हो चुका लेकिन अब आप नई शुरुआत करिए तो आप इससे जॉब से कर सकते हैं, तो वो सूरज इसमें तो मैम वो ठीक है, समझ गई मैं। नम्रता, आई सिलेक्ट डेथ ओनली बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन फाइव ऑफ कप्स कार्ड, इट्स टोटली अ नेगेटिव कार्ड व्हिच शोस डिप्रेशन एंड डिप्रेसिंग एनर्जी, वेदर इन हियर न्यू बिगिनिंग चांसेस आर ऑलवेज देयर, सो इट्स अ दैट इज एडवाइजेबल। Yes, Riddhi, आप क्या चुनने वाले हो? Ma'am, death, because it is showing progress towards a new beginning. Okay, anybody who wants to say five of cups can speak up, क्योंकि बाकी तो सब death ही बोल रहे हैं। किसी को ये बोलना है कि वो five of cups चुनने वाला है तो बोल सकता है। कोई choose कर रहा है five of cups? Five of cups मैं ही choose कर रहा हूँ। हाँ, a right answer is also five of cups. Death is not the right answer. जो आप बोल रहे हो ना कि खत्म हो गया और नई बिगनिंग होगी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी उसने जॉब और बिजनेस शुरू नहीं किया है, ठीक है, वो पूछ रहा है अभी तो वो शुरू करेगा फिर वो खत्म होगा और फिर उसके बाद वाली नई बिगनिंग को देख के आप अभी का सजेशन नहीं दे सकते, राइट। फाइव ऑफ कप्स इज अ माइनर कार्ड, तो माइनर कार्ड की अगर पॉजिटिविटी कम होती है तो नेगेटिविटी भी तो कम होती है, तो मेजर में नेगेटिविटी अगर है तो ये बहुत बड़ा झटका है, राइट। और इसको तो हम यही बोल रहे हैं कि इसके कुछ रिश्ते टूट गए जिस वजह से डिप्रेशन में है, बचा भी तो हुआ है उसके पास और वो काउंसलिंग लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, माइनर है तो वो जल्दी रिकवर करेगा, मेजर वाले लॉस से आप बहुत टाइम में रिकवर करोगे, तो इसलिए नेगेटिविटी में अगर मेजर और माइनर सामने आ जाते हैं तो माइनर को चुना जाता है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, पर आंसर आपको करना आना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन को बदलें, अब थ्री पे चलते हैं, ठीक है। सो अब कोई लेडी आई है और वो कह रही है मेरी बेटी के लिए तीन रिश्ते आए हैं, ठीक है, रिश्ता नंबर वन, रिश्ता नंबर टू, रिश्ता नंबर थ्री। नाउ यू हैव टू पिक थ्री कार्ड्स एंड चूज कि कौन से रिश्ते के लिए आप बोलोगे। आप कार्ड्स आप निकालोगे और जो कैमरा ऑन करके कार्ड्स दिखा सकता है तो हम उसी को देंगे चांस, क्योंकि ऑफ कैमरा में हमको समझ नहीं आता कुछ भी। यस, सो मुकेश जी से शुरू करते हैं। मुकेश जी, तीन कार्ड्स निकालिए, हमें दिखाइए और बताइए कि आप क्या चूज करने वाले हो। यस मुकेश जी, बता दो एक बार तीनों कार्ड्स, अनम्यूट कर लो आप, पहले म्यूट हो आप। फर्स्ट हर्मिट, सेकंड चैरियट, थर्ड एंड थर्ड इज एस ऑफ वांड्स, ठीक है। इनके रिश्ते के तीन कार्ड्स आए हैं, पहला है हर्मिट, दूसरा है चैरियट, द चैरियट एंड तीसरा है एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। तो अब ये बताएंगे कि ये कौन से रिश्ते के लिए वाउच करने वाले हैं, बताएं। एक्चुअली इसमें तो एस ऑफ वांड्स में ही मेजर जाने के लिए कोशिश करेंगे कि एस ऑफ वांड्स में एटलीस्ट न्यू अपॉर्चुनिटी है और उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है। ऑल्दो चैरियट इज आल्सो द पॉजिटिव कार्ड, बट उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन लेस हो सकते हैं। मेजर कार्ड्स के हिसाब से देखें तो वो है, मगर ये मैं आई गो फॉर वांड्स, आई गो फॉर वांड्स, एस ऑफ वांड्स। ये बोल रहे हैं कि ये एस ऑफ वांड्स पे जाएंगे। तीन कार्ड्स हैं हमारे सामने, एस ऑफ वांड्स, चैरियट और हर्मिट। कोई और है जो इनके आंसर से डिफर करता हो? चैरियट हो सकता है। Okay, Poonam wants to go for chariot. Anybody else? Ma'am, I would also love to go for chariot. Okay, Riddhi would also go for chariot. Ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। Okay, आप ये बोल रहे हैं ace of wands के लिए जाना चाहिए, नहीं, but right answer would be chariot. Ace of wands still a beginning card. वो सिर्फ एक beginning को दिखा रहा है, आगे कैसी रहेगी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। चैरियट जो एक मेजर कार्ड है और वो सक्सेस की श्योरिटी है,
राइट तो हर्मिट को तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिजेक्ट कर देंगे क्यों क्योंकि हर्मिट जो है वो तो रिलेशनशिप में है ही नहीं तो वो तो रिजेक्टेड ही है. अब हमें चुनना है एस ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट में से तो चैरियट मेजर कार्ड है और पॉजिटिव कार्ड है तो हम चैरियट को चुनेंगे. ठीक है एक गलती हम क्या करते हैं हम क्लाइंट को कह देते हैं कि ना ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है तो वो क्लाइंट की कंफ्यूजन हम दूर नहीं कर रहे हैं है ना. सो दैट इज नॉट राइट वो कंफ्यूज्ड है इसलिए तो वो हमारे पास आया है तो हमें जो भी नॉलेज है वो अप्लाई करके हमें देना एक ही आंसर पड़ेगा. क्लियर यस पूनम आपके तीन कार्ड्स फर्स्ट आया द मैजिशियन सेकंड द हाई प्रिस्टेस और थर्ड मैम नाइन ऑफ कप्स. ये अच्छे कार्ड्स हैं फर्स्ट है द मैजिशियन सेकंड है द हाई प्रिस्टेस एंड थर्ड है नाइन ऑफ कप्स और हम बात कर रहे हैं शादी की ये भी याद रखना. हाँ जी बताएं तो इसमें मैं तो मैजिशियन के साथ जाऊंगी मैम क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं सब कुछ है गॉड ब्लेसिंग है तो मैम आगे जाके उसका मतलब बहुत ही अच्छा ही फ्यूचर है आगे और मेजर कार्ड भी है मैम. नो मैम मैम द मैजिशियन में वो रिलेशन के लिए टाइम नहीं दे पर कन्विंसिंग कर सकता है पर टाइम तो नहीं दे सकता ना जब शादी की बात कर रहे हैं हम. ठीक है मैम नाइन ऑफ कप्स विल बी फुलफिलिंग यस कुछ लोग मैजिशियन पे हैं कुछ नाइन ऑफ कप्स पे हैं यस और किसी को आंसर देना है. मैम मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू गो फॉर हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस ओके ऑल राइट द राइट आंसर लुकिंग एट टूडेज वर्ल्ड विल बी द मैजिशियन. पर अगर आप एक सेटल्ड वर्ल्ड की बात करो जहां लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं और उनको रिश्तों की कदर है तो राइट आंसर नाइन ऑफ कप्स होता. ठीक है लेकिन क्योंकि आजकल आप देखोगे जब एक लड़की मैरिज करती है तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत चाहिए होती है ना. आजकल माँ बाप भी ये देखते हैं कि फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए मेरा बच्चा है ना इसलिए हमने मैजिशियन चुना है. वरना अगर हम सिर्फ रिश्ते की बात करते तो हम नाइन ऑफ कप्स को चुनते. क्लियर और तीसरा कौन सा था हाई प्रीस्टेस उसका तो असेंस ही स्पिरिचुअलिटी है तो उसको हम नहीं चुनेंगे रिश्ते के लिए हालांकि वो भी एक पॉजिटिव कार्ड है बट एसेंस देखना है. अब तीनों जो भी हमारे सामने तीनों कार्ड हैं तीनों पॉजिटिव हैं तो हम उसमें से हमें चुनने के लिए उनकी क्वालिटीज देखनी है तो हाई प्रीस्टेस सबसे पहले बाहर हो जाएगी क्योंकि उसका एसेंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी है और जब आपकी नई नई शादी होती है ना तो आपको स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा गृहस्थ जीवन में टाइम देने की जरूरत होती है. क्लियर सो वो निकल गया. अब मैजिशियन जो है वो बहुत सक्सेसफुल है और वो रिलेशनशिप को भी संभाल लेगा हालांकि वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा लेकिन बिकॉज ही इज सक्सेसफुल वी आर चूजिंग. क्लियर जी नम्रता आप बोलें अपने तीन कार्ड्स. मैजिशियन अगेन फाइव ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है क्या चुन रहे हो मैजिशियन फाइव ऑफ कप्स नाइन ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स हाँ जी आई विल गो विद मैजिशियन. ऑब्वियसली ये तो क्लियर चॉइस है ना. फाइव ऑफ कप्स भी रिश्तों के लिए बिल्कुल नेगेटिव है नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी रिश्तों के लिए बिल्कुल नेगेटिव है तो पॉजिटिव कार्ड हमारे पास मैजिशियन है हम उसी को चुनेंगे. क्लियर यस और किसी के कैमराज ऑन नहीं है तो हम उनसे नहीं पूछेंगे. अगर आपको आंसर करना है तो आप कैमरा ऑन करो. यस सरोज बताएं अनम्यूट करें अपने आप को और अपने तीन कार्ड्स बताएं. यस मैम मैम नाइट ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस और स्टार. क्या चुनोगे स्टार. यस नाइट ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस एंड द स्टार तो इसमें सबसे बैलेंस जो पर्सनालिटी है वो द स्टार की है ना अनकंडीशनल लव की है ऑब्वियसली हम द स्टार को चुनेंगे. क्लियर अब आपको समझ में आया चॉइस क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करते हैं. आपने मेरे से एक दो क्लास पहले पूछा था है ना. सो हालांकि अभी हमारे कार्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं बट मैंने आपको तरीका सिखा दिया है बाकी की जो इसकी प्रैक्टिस है हम शफलिंग के दौरान दोबारा से करेंगे.